हाय, मेरा नाम ओम और आज आए हम जाते वाली और मेरे पीछे देख के ऐसा कुछ पता ही लगा कि हम कहाँ आए हैं। तो सीन ये है कि यहाँ से 4 किलोमीटर अंदर और जा रहा है, ये पूरा जंगल जंगल है। और फिलहाल हम रोड पे खड़े हैं, मैं रोड दिखा देता हूँ। तो ये पूरा रोड है और इस साइड का ये पूरा एरिया ऐसा है। तो हमें फिलहाल जाना है यहाँ से अंदर, तो 4 किलोमीटर अंदर जाना है। अंदर जाएंगे तो डेथ वैली जितनी अच्छी है ना उतनी खतरनाक भी है। उसमें 98 लोग अभी तक मर चुके हैं। तो चलो अंदर दिखाते हैं किस लिए लोग वहाँ पे मरते हैं, क्या क्या सीन है और सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो आ जाओ। ये भी कुछ देखो वैसे ही है, बट यहाँ का पानी साफ नहीं है। और ये दिखने में जितनी खूबसूरत है ना उतनी खतरनाक भी है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखती है ऊपर से। अब आ चुके हैं डेथ वैली के बिल्कुल पास और ये देखो पानी कितना अच्छा है। वहाँ भी जाएंगे, उससे पहले मैं एक टिप्स देना चाहूँगा आपको, एक एडवाइस या जो भी समझ लो। देखो अगर आप यहाँ पे आते हो ना बाइक से, तो बाइक अपनी ये नीचे लेके आ जाना। देखो हमने यहाँ लगा रखी है अपनी बाइकें, तो नीचे लेके आने का फ़ायदा एक है क्योंकि जो यहाँ पे लोग हैं जो घूमते हैं वो पेट्रोल निकाल लेते, कई कई बार तो बाइकें ही पार हो जाती हैं। तो बाइकें ऐसे रखना जहाँ पे आप नहा रहे हो या फिर जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ से बाइकें दिखें। बाकी अब चल रहे हैं नीचे। अब ये बात करें कि डेथ वैली बनी कैसे थी, तो नीचे देखो एक बार ये बालू दिख रहा है, ये बालू, ये जो रेता है यहाँ पे, ये रेता। और इस साइड ये देखो दिखेंगे बड़े बड़े जो पत्थर हैं, पत्थर तो आपको दिख ही रहे होंगे, जो ये पत्थर है यहाँ, जो ये पत्थर दिखे आपको, ये पत्थर यहाँ से निकालते थे और यहाँ से जो रेता निकलता था और यहाँ से पानी काफ़ी निकल, 3-3 ट्यूबवेल चलते थे और यहाँ से पानी निकलता था ताकि ये रेता बालू निकाला जाए। ऐसे गड्ढा खोद खोद के और पत्थर निकाल निकाल के ये इतना गहरा हो चुका था। जब वाटर लेवल यहाँ का कम हो गया इस गांव के आसपास का, तो लोगों ने इसको बंद करवा दिया गया, तब ये बंद हो चुका था। अब जो इसके अंदर पानी है वो बिल्कुल नेचुरल है, ये नहीं कि बरसात का पानी है, वो बिल्कुल नेचुरल बताते हैं कि वो नीचे से ही आया हुआ है। आओ पास चल रहे हैं। ये देखो ऊपर पानी देखना है कितना साफ है, नीचे का भी दिखेगा। अब जा रहा हूँ फोटो खिंचवाने और यहाँ की फोटो देख रही हो ना तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लेना, और ना अभी पे भी डालूंगा एक दो इंस्टाग्राम की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। ये सारी जो फोटो हम यहाँ पे खिंचवाने वाले हैं वो आपको वहाँ मिल जाएगी। ये जगह जितनी खूबसूरत है ना देखने में ना,
उतनी ज्यादा डरावनी है, उतनी ज्यादा जाने ली है इसने। अभी तक 98 लोग मर चुके हैं यहाँ पे। मैं आपको दो तीन क्लिप दिखाता हूँ, पहले क्लिप देखो। पवन पवन कच्चा पकड़ रखा पवन का, उसका वो कच्चा पकड़ रखा है ना उसने, बनियान पकड़ रखा ये पहाड़ी पर चलकर आ जा भाई। एक बॉडी ये वो जगह है जहाँ पे लोग आके नहाते हैं, क्योंकि यहाँ तक पत्थर है सिर्फ और सिर्फ, आपको दिख रहा होगा सिर्फ और सिर्फ, जहाँ पे आपको दिख रहा है ना सिर्फ यहीं तक पत्थर है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, 250 फीट गहरा है। तो अगर आपका जरा सा ही पैर फिसला ना तो क्या होगा। एक बार यार मैं आपको एक बात बोलूँ, थोड़ी सी बुरी भी लगेगी अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ पे आने का, तो यार एक बार आपका तो कुछ ही जाएगा, आप तो चले जाओगे दुनिया से, बट आपके जो घर वाले हैं ना बड़े रोते हैं। अभी जो लास्ट यार 8 लोग नहाने आए थे यहाँ पे, 8 लोग, 8 में से एक लड़का डूबने लग गया, तो पता हुआ डूब रहा था तो दो लोग और बचाने गए उसको। जब बचाने गए ना तो वो भी डूब गए बेचारे, उसमें से दो लोग मैरिड थे एक अनमैरिड था। तो अभी उस बंदे की उस मरने वालों में से एक बंदा है वो था जिसके अभी यार 6 महीने पहले शादी हुई थी। तो यार आप आते हो इंजॉय कर रहे हो ना तो एक लिमिट में करो। देखो हम भी आए यहाँ पे, हम नहीं नहा रहे, नहीं नहाएंगे भाई क्योंकि हम 4-5 दोस्त हैं, नहीं नहाएंगे बिल्कुल। और यहाँ पे ना अगर आप आ रहे हो ना तो अकेले कभी भी मत सोचना आने की, क्योंकि यहाँ पे छीना झपटी बहुत ज्यादा ही होती है। लास्ट बार आए थे 4 लोग, चलो मैं आपको पहले क्लिप दिखाता हूँ। आज का पता है हम आए थे रिकॉर्डिंग करने डेथ वैली पे, जिसका नाम ही है डेथ वैली। नाम ही सुनकर ना बड़ा जगह बड़ी अच्छी है। तो यहाँ से ये रोड जो दिख रहा है ये तो जंगल है, यहाँ से मैं जानता 3 किलोमीटर अंदर। और तो सीन क्या, हम आए थे हम 4 लोग, ये देखो ये 3 अभी खाने में लगे हुए हैं। तो और हम जब अंदर गए ना तो बाइकों पे घूम रहे लोग मुंह बांध के, तो हमें बड़ा अजीब सा लगा। हम थोड़ा सा अंदर घुसे और आ गए, तो हमने डिसाइड किया यार भैया ने सही कहा, हमारी बीप हो गई। तो यार सीन पता क्या, अब अगली बार अगले संडे को हम आएंगे तो हम लेके आएंगे मतलब 10-15 बंदे हो हमारे साथ, तब हम इसके साथ तब हम अंदर जाएंगे। इन भाइयों ने मना कर दिया तो हम अंदर नहीं जा रहे हैं, जाएंगे नेक्स्ट बार। तो ये क्लिप देखिए आपने, हम 4 लोग आए थे और हमारी हिम्मत थी क्योंकि हम चले जाएँ, क्योंकि हम शाम के ना 4 बजे के करीब आए थे, तो हमें पता था अंदर घुसते घुसते शाम हो जाएगी। और रात को ये जगह कभी भी मत आना। और यार अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो ना तो 10-15 लोग आना, नहाना तो यार मैं तो यही बोलूँगा कभी भी मत नहाना। जितनी ये जगह अच्छी है ना उतनी ही ये जगह डरावनी है। आपको तैरना भी आता है ना तब भी, जिनको तैरना भी आता है वो भी कई लोग यहाँ पे डूब के मरे हैं। अगर यार सोचो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मेरा पैर फिसलता है तो ये क्या करेंगे, तुम कुछ करोगे वैसे? नहीं भाई मैं भाग जाऊँ। ये तो कह रहे बेटा तुम समझे यही उम्मीद थी, ये भी नहीं कह रहे कि रस्सी फेंक देंगे है ना। चलो ठीक है मजाक की बात, ये तो लड़के रस्सी फेंक देंगे। Oh,
बर्थडे के साथ तो कभी आना ही मत। वो लड़कियाँ बड़ी एक्साइटेड है यहाँ पे आने के लिए, तो यहाँ बिल्कुल भी मत आना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट।